आप एक इस बैच से मिल लिए, वाले बैच से मिल लिए, इनसे मिल ही लिए थे आप, अब इनसे मिलते हैं। ये डिजायर है, ये होंडा सिटी है, ये हुंडई की एसेंट है, ये हुंडई पेट्रोल है, ये हुंडई है, ये हमारी स्कॉर्पियो और ये हमारी मर्सिडीज। इनमें से भी आप कर सकते हो आगे हमारी XUV700। देखो इसको ये खुलवाने के लिए नहीं, पहले बता रहा हूँ, ये BS6 है। इसमें क्या होगा, स्कैनिंग करो, कोडिंग करो, स्कैन करना सीखो BS6 को। मैं ये नहीं बोल रहा खुलवाऊंगा, BS6 है स्कैनिंग के लिए, ये हमारी ये फॉर्च्यूनर है। मैं ये नहीं कह रहा खुलवाऊंगा, स्कैन करो, कोडिंग करो, सेंसर खोलो, AC में गैस भरो, समझो सीखो। BMW वाकड़ी दिखाऊंगा उसको, वो ही हमारी बिल्डिंग देख लो, वो फॉर्च्यूनर बढ़िया बिल्डिंग है। उसके सामने तुम पूछता कह रहा, ये तीसरा यहाँ पर क्या है, स्कैनिंग के लिए BMW की है। ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं कार मैकेनिक वालों के लिए। पहले फर्स्ट फ्लोर पर जाओ, फिर सेकेंड फ्लोर पर जाओ, फिर थर्ड फ्लोर पर जाकर पूरा इलेक्ट्रॉनिक सीखो। ये है हमारा कार मैकेनिक का कोर्स जो है आपके सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कितना टाइम हो गया आपको, अभी वीडियो थोड़ी बनाया आपका, नहीं बनाना इंट्रोडक्शन, अब इंटरेस्ट नहीं बनाना, आज बनाएंगे। बैठो 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 इनका तो बाइक वालों को बन गया। नाम क्या, कहाँ से आए थे, थोड़ा तेज बोलिएगा। मेहताब, मेहताब कहाँ से आए हो, झारखंड, झारखंड में कौन सी जगह, रांची से। क्या करते थे मेहताब पहले, गैरेज पे। कितने साल काम किया गैरेज पे, 7 महीने। क्या सीखा 7 महीने में, खुलना लगाना, क्या खुलना लगाना, गाड़ी गाड़ी कितनी धोई, सही से बताओ, सही से झूठ मत बोलो, गाड़ी कितनी धोई। अच्छा ठीक है, तो हमारे हमारे बारे में कैसे पता लगा, यूट्यूब यूट्यूब पर फ्रॉड भी होता है। अभी क्या पूरा इंजन खोलते हो खुद से, अभी कौन सा नंबर इंजन है, मतलब कितने इंजन हो गए इससे पहले, इससे पहले दो इंजन। अलग अलग इंजन क्यों खोलना जरूरी है, किसी में EGR है सर, किसी में DOHC है, SOHC है। DOHC मतलब डुअल ओवरहेड कैमशाफ्ट, किसी में सिंगल कैमशाफ्ट है, किसी में EGR है, किसी में EGR नहीं है, कोई 4 सिलेंडर है, कोई 3 सिलेंडर है, कोई 6 सिलेंडर। तो वर्षों में आएगा तो कोई भी गाड़ी आपके पास आ सकती है। ठीक है, आप आपका नाम कैसे है आप, मैं रांची से हूँ। रांची से, नाम आपका, अफ्ताब। क्या करते थे अफ्ताब पहले आप, पहले मैं गैरेज में काम करता था, लोकल गैरेज में। कितने साल काम किया, महीने, एक साल, 6 महीने काम, 6 महीने। तो वहाँ पर क्या ऐसा लगा कि वहाँ पर नहीं सीख सकते, यहाँ आना चाहिए आपको, ऐसा क्यों लगा। मुझे वहाँ पे इंजन में हाथ लगाने के लिए नहीं मिलता था। क्या बोलता था हाथ लगाने पे, वो खाली बोलता था खाली देखो, खाली देखो, हाथ मत लगाओ। जब गाड़ी आए तो चक्का चेंज कर दो, ब्रेक शू चेंज कर दो, ऑयल चेंज कर दो, ब्रेक शू वगैरह सस्पेंशन। लेकिन टाइमिंग का काम आ गया, इंजन में फॉल्ट का काम आ गया तो उधर उधर लगा देता था। नहीं, खाली बोलता था कि साथ में रहो, कुछ करने नहीं देता था। अच्छा चलिए ठीक है। तो ये दो लोग हैं हमारे जो रांची से आए थे, 7 महीने कार गैरेज पे थे, अभी आए ज्वाइन करने। नाम आपका, क्या नाम है, कहाँ से आए हैं आप, महाराष्ट्र से। बाइक का कार का आपका, कार का क्या करते थे पहले आप, खुद का किराना बना सर। आपका जो अपना ये जो नमक मिर्ची ये सब मिलता है ना, किराना, किराना का तो अच्छा काम है, किराना तो बढ़िया काम चलता है। अच्छा, मतलब मन आपका ड्रीम ये था कार मैकेनिक का बने, तो किराना दुकान खोलो, कितना साल हो गया था, 5 साल से है किराना। अभी कौन संभाल रहा है उसको, भाई संभाल रहे, मतलब बंद नहीं करना, नहीं सर, चालू रखना है। ठीक है, तो ये हमारे क्या नाम बताया, इराना है, कहाँ से, महाराष्ट्र सोलापुर से आए हैं। किराना दुकान था, 5 साल से बंद नहीं किया, छोड़ के आए हैं, ड्रीम को पूरा करने आए हैं। चलिए, 3 लोग हैं हमारे, दादा आ जाओ, दादा दो, अभी लाओ, अभी लाओ, रुको, नाम बता, नाम क्या है, उस्मान, कहाँ से आए उस्मान, बिहार से। बिहार में कौन सी जगह, चंपारण। ये उस्मान हमारा, उस्मान पहले कब आए थे तुम, कौन से महीने में आए थे, मार्च में। ये अपना उस्मान है, मार्च में आए थे, मार्च में उन्होंने ECM ट्रेनिंग किया था, ECM किया था ना, तो ये
ECM रिपेयरिंग ट्रेनिंग किया था, ECM ट्रेनिंग करने के बाद ये वापस से आए हैं कार मैकेनिक ट्रेनिंग करने। उस्मान ये ECM अच्छा लगा या फिर कार मैकेनिक अच्छा लगा, दोबारा क्यों आए? कार के लिए और भी ट्रेनिंग सेंटर वहाँ भी जा सकते थे, इधर ही वापस क्यों आए? अच्छा लगा इसलिए। चलिए ठीक, कितने दिन हुआ है वो अभी? अभी तो हो गया 10 दिन। 10 दिन हो गया, ठीक है दादा दोनों आ जाओ। आपका नाम क्या, आप कहाँ से आए हैं? सर मेरा नाम अजय कुमार है। अजय कुमार यूपी से आए हूँ। यूपी में कौन से जगह? अजय सरसरा बस्ती। सर सरसरा बस्ती, क्या करते थे अजय पहले? सर पहले तो मैं सर पढ़ाई करता था, आईटीआई कर रहा था। अच्छा, पढ़ाई आईटीआई से डायरेक्टली मैकेनिक बनने का क्यों ख्याल आया? सर क्योंकि जॉब भी किया सर, तो वहाँ पे अच्छा नहीं है। जॉब किया है? जॉब कितना टाइम किया आपने? सर 5-6 महीने किया सर। क्या किया जॉब में? सर जॉब में क्या है ना, एक जगह लगा देते हैं सर, तो वहीं पे करते रहो। अच्छा, मतलब फील्ड ये था कि जॉब में सेटिस्फाई नहीं मिले आप? जॉब में सैलरी क्या मिलती थी? सर सैलरी 10-12 हज़ार। 10-12 हज़ार, और उसमें रगड़ना पूरा दिन 8 घंटे। चलिए ठीक, आप नाम कैसे आए? विकास। विकास कहाँ से आए? बिहार में। कौन सी जगह? चंपारण। क्या करते थे पहले? पढ़ाई किया। क्या किया पढ़ाई में? डिप्लोमा किया मैकेनिकल। डिप्लोमा में 3 साल लगा दिए, पैसा भी बहुत लगा। फिर ऐसा क्यों आया कि डिप्लोमा में नहीं सीख पाए, यहाँ पर आके सीखना पड़ रहा है? सीखना इसलिए सर, जॉब नहीं करना, डायरेक्टली खुद का स्टार्टअप करना है। प्लेसमेंट मिला? प्लेसमेंट कहाँ मिला? कौन सी कंपनी थी? होंडा। होंडा तो अच्छी कंपनी है। जॉब नहीं करना है ना, एक महीने वहाँ पर काम किया था। सैलरी क्या था होंडा में? होंडा कंपनी में जॉब लग गया था 70,000 पे, जॉब भी लग रहे थे। डिप्लोमा किया 3 साल, जॉब लग गया होंडा में, सैलरी मिला लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ। कंपनी मिल गई, खुद का काम करना है, बहुत बढ़िया। तो ये लोग हमारे 5 लोग जो आए थे और अभी ये लग रहे हैं। हम लोग से मिलेंगे अभी, देखते हो वीडियो वैसे 2 सेकंड में। क्या पहले आपको तैयार किया जाता है कि ऐसा ऐसा बोलना है? फ्री माइंड बोल देते हैं अभी पूछेंगे। बहुत सारे पेरेंट्स का फोन आता है, वो बोलते हैं सर हमारे लड़का वहाँ पर है कि नहीं है। मैंने है बोला, वीडियो तो आता ही नहीं है उसका, इसलिए भी बनाना हमें कभी कभी ज़रूरी है कि वो कर नहीं रहा है कि हॉस्टल में सो रहा है। आपका नाम बताइए, तेज बोलिए नाम आपका। अंशदीप सिंह। अंशदीप सिंह जी, क्या है कि स्टूडेंट बहुत है, आवाज़ हो रही है, एक बार आप ये सब लोग हैं तो कार का करने को बाहर निकल सकते हैं। तो वहाँ पर जो कि आवाज़ आ रही है, क्योंकि पूरा सेंटर भरा हुआ, पूरा खुला है, इसलिए लिया है यहाँ पर। तो चलो इनसे स्टार्ट करते हैं वापस से, जीरो लेवल से। कहाँ से आए थे, क्या करते थे पहले? सर मैं नागपुर से हूँ, नागपुर महाराष्ट्र। नाम क्या आपका? ओमकार सुरेश्वर। ओमकार, क्या करते थे पहले? ओमकार सर इससे पहले मैं पढ़ाई करूँ। पढ़ाई किया, पढ़ाई कहाँ तक किया है? सर ग्रेजुएट। ग्रेजुएट किया है। कौन सा ट्रेनिंग करने आए आप? कार का। कौन सी डेट को आए थे आप जयपुर? सर 2 जुलाई। 2 जुलाई। आज की डेट क्या है? आज की 10 जुलाई। 10 जुलाई, मतलब 8 दिन हुआ है आपको। आपका नाम कहाँ से आया? गुजरात से। गुजरात में कौन सी जगह? छोटावली से। कौन सी डेट को आए थे आप? 2 तारीख। 2 तारीख, क्या करते थे पहले आप? पहले वेल्डिंग वगैरह। वेल्डिंग के मैकेनिक थे आप। कितने साल से थे? 5-6 साल। 5-6 साल से। तो कार मैकेनिक क्यों बनना चाहते हो? वो लेबर क्लास काम है, थोड़ा पैसा इसमें ज्यादा है। आप बताए कहाँ से आए थे? मैं पंजाब से। पंजाब से, क्या करते थे पहले आप? स्टडी कम्प्लीट की है। स्टडी की है, क्या किया स्टडी में? प्लस टू किया है। क्यों सीखना चाहते हो काम को, कार मैकेनिक को? स्किल वाला काम सीखना। स्किल वाले सीखना, हाथ का हुनर, ठीक है। आप? मैं छत्तीसगढ़ रायपुर से। छत्तीसगढ़ रायपुर से, क्या नाम है आपका? प्रिंस पवार। प्रिंस, क्या करते थे पहले? सर मैं 12th के और जस्ट यहीं आया हूं। 12th का मतलब कोई टाइम खराब नहीं किया? नहीं, डायरेक्टली आ गए। इधर ही आने क्या रीजन है? और भी ट्रेनिंग सेंटर इंडिया में? सर मैंने यूट्यूब में बहुत देखा। यूट्यूब में फ्रॉड भी होता है सर, मैं जगह का नाम नहीं लूंगा लेकिन देखा, पर वहाँ मेरे को थोड़ा ठीक नहीं लगा। अच्छा, विजिट करके आए थे? नहीं, विजिट नहीं किया था सर, मैंने कॉन्टेक्ट किया था उनसे। अच्छा, कॉन्टेक्ट किया था जी सर। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर फिर कैसे लगा कि ये सही जगह? सर यूट्यूब में देखा, यहाँ पे हॉस्टल भी ठीक था और ट्रेनिंग सेंटर भी ठीक था और गाड़ियाँ भी बहुत सारी अवेलेबल है यहाँ पे, इस कारण से मैं इसी जगह। ठीक है। आप? मेरा नाम विक्रम कुमार सैन है, मैं राजस्थान से आया हूँ और मैं यहाँ 4 तारीख को आया हूँ। उससे पहले विजिट भी करके गया था। अच्छा, पहले विजिट कर गए थे? मैंने यहाँ 5-6 महीने वहाँ वर्कशॉप पे काम किया था मैकेनिक का। अच्छा,
अच्छा तो वहाँ पे क्या है कि इंजन वगैरह वो उसमें टाइम लग जाता है 4-5 साल के लिए। हाँ। तो मैंने सोचा जल्दी से जल्दी मैं इंजन का काम सीख जाऊँ और ट्रांसमिशन को रिपेयरिंग करना सीख जाऊँगा। तो पहले बैच से मिल रही है, दूसरे बैच से मिल रही है, तीसरा बैच कहाँ से स्टार्ट करें? इधर से। आपका नाम कहाँ से आए हैं? नाम प्रशांत है, हरियाणा से, पानीपत से। हरियाणा पानीपत। प्रशांत भाई क्या करते थे पहले? हॉकी प्लेयर। हाँ यार, कितने साल रहे हॉकी प्लेयर? 7-8 साल। तो कई मतलब खेला, मेडल को जीता? अरे वाह, बहुत बढ़िया। नेशनल प्लेयर भाई हमारे संग हॉकी के नेशनल प्लेयर बैठे, बड़ी गर्व की बात है। आप जैसे लोग आए, कहाँ का कहाँ मेडल मिला हुआ है आपको? इधर सर यहाँ पे राजस्थान में खेलता था मैं। राजस्थान में? महाराष्ट्र जा चुका हूँ। अच्छा, तो कितने मेडल जीत सक जीत चुके हो? सर स्टेट में से कम गोल्ड है मेरे, 3-4 नेशनल। स्टेट के 4 गोल्ड और 1 नेशनल लेवल का गोल्ड भाई के पास। वाह यार, दिल को पहले को नहीं बताया, मोटिवेट होते लोग देख के। चलो बहुत अच्छी बात है, पर ये फील्ड में क्यों चुना आपने? हाथ काले पीले करने का या फिर एक एक्स्ट्रा बिजनेस डालना है कि जो है वो चलता रहे और 2 पैसा इनकम भी चालू रहे हमारी? क्योंकि प्लेयर होना वो अच्छी बात है, देश के लिए खेलो, अपने लिए खेलो, समाज के लिए खेलो, स्टेट के लिए खेलो, लेकिन एक रेगुलर इनकम भी जरूरी है। आप अगर 1 महीने घर से बाहर है, प्रैक्टिस कर रहे हैं, एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो इनकम सोर्स भी चलती रहे दाल रोटी के लिए। तो कैसे पता लगा हमारे बारे में आपको? आपके पापा बेटे देखते थे, मोटिवेट हुआ, ये तो अच्छी बात है। पापा ने पहले पापा वीडियो देखते थे, क्या नाम है पापा का? रविंद्र अंकल, थैंक यू, आपने मुझे बताया देख रहे वीडियो, आपने इनको भेजा बहुत बहुत शुभकामनाएं। इनको उसको कुछ बना के भेजूंगा मैं आपके पास से। हंसरे हैं तुम्हारे पापा, हाई कर दे। चलिए ठीक है, बताओ दादा कहाँ से आए थे? देखो कर्नाटक से। हमारा कोई जो ड्रीम होता है कि मेडल जीते, ये कर देंगे, वो कर देंगे, वो लोग भी आपके संग बैठे हुए हैं। इंडियन जर्सी मिली है, बहुत बढ़िया। फिर भी देखो सोच क्या है कि एक टॉप लेवल में जाके बिल्कुल जीरो से जमीन पे बैठ के चालू करना, ये होता है कि जीरो एटीट्यूड, कि एक टॉप लेवल पे है, पूरा स्टेट जानता है, और वो छोड़ के वापस से जमीन पे बैठ के इंजन का काम सीख रहे हैं आपसे। ये ललक आप में रहेगी जिंदगी में, किसी का बाप तुम्हें फील नहीं कर सकता। हाथ का हुनर जिसके पास है, जैसे हॉकी का हुनर है, स्किल सीखने का हुनर है, कभी भूखे नहीं मर सकते। हुनर नहीं तब हमें भटकना पड़ेगा, चलो यार कोई भी कंपनी में कोई भी जॉब मिल जाए। और एक हुनर होता है, नहीं है मेरे को तो ये काम आता है, मुझे तो यही करना है। 10 लोगों से भट सकते हो कि भाई मैं कहूँ तो पूछ ले, क्या पूछ सकता है, मैं तुम्हें आंसर दे रहा हूँ। चलिए, नाम आपका कहाँ से आए थे? कर्नाटक से। कर्नाटक, कर्नाटक कौन सी जगह? हावेरी। हावेरी। क्या करते थे पहले आप? पहले सेकेंड ईयर पढ़ते थे साइंस। साइंस पढ़ते, तो क्यों छोड़ा फिर आपने पढ़ना? पापा ने वीडियो देखते थे। अरे यही पापा वाला वीडियो पापा ने देखने चालू किया, क्या नाम है पापा का? महबूब अली। महबूब अंकल आपने वीडियो देखा, क्या बोला फिर पापा ने? पापा ने मुझे भी दिखाया और मोटिवेट हुआ मैं भी। अच्छा, तो फिर ऐसा नहीं लगा कि ये फ्रॉड कुछ वीडियो बन रहा होगा, झूठ भी बोल सकते हैं, बड़ी बड़ी बात कर सकते हैं? नहीं। चलिए, कब आए थे आप? 1 महीना। 1 महीना हो गया भाई। देखो इनको तो चाहे मैं पागल बना के एडमिशन ले सकता हूँ, लेकिन इनके बड़े लेवल पर ही हमारे संग प्लेयर बैठे हुए हैं, और इनके भी जो इनकी 30-35 साल के, इनके पापा जो 60-65 साल के, इन लोगों को कभी मैं पागल नहीं बना सकता। बड़ी बड़ी बात दुनिया देखी है, इनके पापा ने, इनके पापा ने, हमारे पापा ने, तो जब इनके पेरेंट्स मेरे पास भेजते हैं तो मेरे को भी मोटिवेट मिलता है कि चलो मैं कुछ अच्छा काम कर रहा हूँ, किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं कर रहा, किसी के साथ कोई गलत मैं मार्गदर्शन नहीं कर रहा, कि आपको दिखा और कुछ दिया, होता और कुछ है, सब लोग खुश होकर जाते हैं। और ये बात भी मैं वीडियो में बोलता हूँ, 100% कोई कभी नहीं सीख सकता, ना आप मेरे से 100% सीख सकते हैं, ना मैं आपको सिखा सकता हूँ। 100% सीखने के लिए पूरा जीवन में वापस कम पड़ जाएगा, 60 साल भी कम पड़ जाएंगे 100% एक्सपर्ट होने को। हर दिन नई टेक्नोलॉजी आ रही है, हर दिन नई गाड़ी आ रही है, कैसे हम लोग देखेंगे उसको? चलिए ठीक है, आप नाम आपका कहाँ से आए थे? मेरा नाम है मलिक और मैं कर्नाटक से। मलिक आप कर्नाटक? आपको पापा सिस्टम तो नहीं आपने देखा, पापा ने देखा? मैंने कॉमर्स सेकेंड पीसी पास कर लिया, इसके बाद मैंने वीडियो देखी आपके। अच्छा, आपने देखी? अच्छा, फिर मुझे इंटरेस्ट आया कुछ। फिर फैमिली को कैसे बनाया कि आप इतना दूर है कर्नाटक से, आप लोग फैमिली को कैसे बोला इतना दूर जाना है और मैं सेफ रहूंगा, या फिर निमेश सर पे विश्वास कैसे हुआ आपकी फैमिली को? वीडियो देखता था मैं आपके सारे। अच्छा, क्या क्या बोलते थे? अरे कुछ नहीं, ऐसे बोलता है तो पैसे ले लेगा, भगा देगा,
लगा देते आप एक्सप्लेन कर देते वीडियो में। अच्छा चलिए ठीक है। आप आपका नाम कहाँ से आए हैं? मैं सुनील कुमार, मैं महाराष्ट्र से आया हूँ। आप महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में कौन सी जगह? महाराष्ट्र सोलापुर से। सोलापुर से, सोलापुर से तो और भी स्टूडेंट नहीं करता, मिल लिया क्या उससे? हाँ एक बंदा फर्स्ट फर्स्ट वाला जो मिल लिया मिल लिया। ठीक है, तो क्या करते थे पहले आप? मैं चाय की टपरी पर काम करता था। किस पे? चाय की टपरी पर। चाय की टपरी पर, अरे भाई यार एमबीए चाय वाले का नाम सुना है? हाँ सुना है। डोली चाय वाला सब हर और में छा रहे ना, कोई काम छोटा नहीं है, छोटा नहीं। और चाय में जो पैसा है ना वो कहीं नहीं है, कहीं नहीं। चाय वाला तो प्रधानमंत्री है सर। चाय में इतना पैसा ना, एक 5 रुपए चाय बिकती है, मैं थड़ी में बैठता हूँ 500 चाय बिक देता है। 500 × 5 कर लो कितना हो गया? सही है, 500 × 5 कर लो कितना हो रहा है? 2500 रुपए हो रहे हैं एक दिन का। और एक महीने का 2500 तो 75,000 रुपए सिर्फ चाय चाय के। एम बी ए वालों की सैलरी नहीं होती, जिनको 20 साल के एक्सपीरियंस की सैलरी मिलती है 75,000। और अपने बाप का मालिक है वो, उसको मन करेगा टपरी खोल देगा, मन करेगा बंद कर देगा। और फिर सट्टा बेचता है, बिस्कुट बेचता है, ऐसे नहीं पीना चाहिए, मैं भी नहीं पीता लेकिन बहुत ही एक्स्ट्रा इनकम है। चलिए तो अच्छा, कितने साल काम किया? मैं इधर 1 साल किया। 1 साल कितना सैलरी देता था वो? 300-400 देता था। 300-400 तो पैसा कैसे इकट्ठा किया रहने का? पट्टा पैसा इधर सब थोड़ा थोड़ा कर माया तो कमा के थी ऐसे करके। कितने भाई बहन है? मैं अकेले ही हूँ। अकेले हूँ, अकेले। तो मम्मी ने वो डर नहीं लगा कि इतना मुश्किल से पैसा कमाया डूब जाएगा? हाँ डर तो लगा, पर मैं 1 साल से वीडियो देखता रहा। 1 साल से देखा? देख रहा था। डर देखो, डर तभी दूर से आगे करना है। और यहाँ पर जो चीज़ है ना, मैं भी आपको क्या इस पूरा ज्ञान आपके दिमाग में कॉपी पेस्ट नहीं कर सकता, सीखना आपको पड़ेगा। आपको ललक आपको होनी चाहिए, एक बार नहीं सुन में आ रहा है 10 बार खोल लो, 10 बार नहीं आ रहा 20 बार खोल लो, सीखना आपको पड़ेगा। 3 महीने में नहीं सीखे, 4 महीने 4 नहीं 6 महीने 6 नहीं सीखे तो 1 साल भी रह के जाओ इधर, कोई भगाने वाला नहीं है। आप खुद भागो उसकी नहीं कह सकता, 1 साल भी रहो आप। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोगों से मिलकर ना मुझे भी थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आता है कि आप लोग विश्वास करके आते हैं मेरे पे। सर मेरा नाम मनोज बड़े थे, मैं महाराष्ट्र संभाजी नगर और मन से आया। अच्छा, पहले स्पेयर पार्ट में काम करता था। किसमें? ये स्पेयर पार्ट में। तो बाद में सोचा, कितने साल काम किया? 1 साल तो किया है। बाद में सोचा मैकेनिक ही बन जाऊँ। अच्छा, खुद का माल और खुद का माल भी सेल करेंगे। और पैसा कौन कमाता है? माल बेचने वालों, जो मिस्त्री। हमें तो मार्जिन मिलता है 5% या 10% MRP पे। और जो लगा रहा है सामान 100 रुपए का लगा रहा है, उसको 5,000 रुपए ले रहा है, तो कस्टमर को नहीं पता क्या डालेगा इसमें, तो इसलिए आपको लगा। तो दुकान कौन सा आपने डाला हुआ है पहले से? नहीं नहीं डाला नहीं है, तो मतलब वही प्लानिंग चल रही है। अच्छा, मतलब आप जॉब करते थे जहाँ पर स्पेयर पार्ट की दुकान पे? हाँ। अच्छा, तो वो पूरा नॉलेज हो गया आपको। तो अभी दुकान भी डालेंगे स्पेयर पार्ट का, तो खुद से ही आप कर सकते डाल सकते हैं। खुद ही सीख के तो दुकान क्यों डालेंगे? क्यों डालेंगे? जितना गहरे डाल, खुद का गैरेज डाल इसकी तरह। ये बात चलिए, आप बताए नाम आपका? मेरा नाम संजीत कुमार है, मैं बिहार से आया हूँ। यार संजीत क्या करते थे पहले? बहुत सारे ऐसे गाँव में घूमकर। डरना नहीं चाहिए, अपने को भी छोटा नहीं समझना चाहिए। मैं किस जगह से उठाऊँ, किस कब से उठाऊँ, मैं भी छोटा सा। 2015 का वीडियो देखो मेरा, 2015 में छोटा सा गैराज था, मट्टी थी, झाड़ू खुद लगाया, पोछा खुद लगाता था, ट्रेनिंग खुद देता था, नहीं था पैसा फैमिली के पास, जीरो लेवल से स्टार्ट किया। कभी भी अपने आप को छोटा नहीं समझना चाहिए, जिस चीज़ से हमारा पेट पलता है ना, चाहे हम झाड़ू लगा करें चाहे सफाई करके करें, जिस पेट से हमारा पेट पलता है उस काम को हमें छोटा नहीं समझना चाहिए। उस बात को माइंड में रखना चाहिए, मोटिवेट होने के लिए मैं इस जगह था और मेरे को इस लेवल पर पहुंचना है, उस चीज़ के लिए हम खड़े हैं आपके साथ। बट बोलना आपको पड़ेगा कि सर ये प्रॉब्लम हो रही है, नहीं आ रहा समझ में, इस तरह समझाओ सर, ये सर दूसरी तरह समझाओ सर, ट्रेनर नहीं आ रहा दूसरा ट्रेनर दो। बोलना आपको पड़ेगा, आपके संग मैं इधर ही हूँ, मेरा कोई दूसरा धंधा नहीं है कि आपसे पैसा ले लिया ट्रेनिंग के लिए तो और कहीं चला के मस्ती मारने, 24 घंटे इधर ही रहता हूँ मैं भी आप लोगों के साथ। अभी जो टीचर लोग हैं ये तो ऐसे समझते नहीं कि हमारे स्टूडेंट है, ऐसे समझते हैं छोटे भाई है। एक बार नहीं 10 बार भी पूछा तो पता था, बहुत बार पता था, ऐसा नहीं कि ठीक है ये स्टूडेंट है एक बार पता दिया छोड़ दिया, ऐसे एक पूछो कितनी बार भी पूछो, और उनकी जो पता नहीं की जो टैक्ट है वो एकदम समझ में आता है। मोटर खराब हो गई थी पानी की, तो आप पूरा दिन खड़े रहे हो आप, तो वो इसलिए मतलब अगर दूसरी तरफ तो करे तो खुद का खोलेंगे तो मेरे को आ रहा है पैसा, फॉर्च्यूनर में घूम रखे, किन की वजह से घूम रहा हूँ?
आप लोगों की वजह से आपका पैसा लेके मैं भूल गया कि कौन है, छोड़ो। तो फिर क्या है करेगा? जिस धंधे में आपकी आत्मा नहीं है वो धंधा कभी नहीं पनप सकता। आप सोचो मैं तो BMW में चल रहा हूँ, मैं क्यों, मैं तो आपके सामने गाड़ी धो लेता हूँ, गाड़ी में कपड़ा मार लेता हूँ, मैं चप्पल में घूम लेता हूँ, किस बात का घमंड है? एक ये तो अंदर से भी अंतर आत्मा है कि कुछ अच्छा करें, कुछ और अच्छा करें। आप लोगों को लाइफ बनाए कि आप खुद के गैराज खोलो, मैं किसी स्टेट में जाऊँ तो मेरे को इतना बड़ा नेटवर्क हो, 10,000 1 लाख लड़कों का नेटवर्क, जिस स्टेट में जिस सिटी में जाकर फोन कर दूँ वो खुद मेरे को गाड़ी से लेके आए, वो मेरे को लाइफ चाहिए। पैसा ऑटोमेटिक आएगा। तो ये थे हमारे स्टूडेंट। अब दिल खुश हो गया मेरे को बात करके, इसलिए शायद वीडियो लंबा बन गया होगा। बस एक एक मिनट बताऊंगा, सिर्फ एक मिनट, दो जगह बताऊंगा। यहाँ पर ये 10 इंजन के कहाँ जाते हैं, आइए। वहाँ पर जब वो स्टूडेंट है ना, 3 बैच मिले वहाँ पर, वो ट्रेनिंग लेने के बाद कहाँ थे, इस वाले फ्लोर पे आते हैं। यहाँ पर सारी गाड़ियाँ सिर्फ मैकेनिकल के लिए। ये डिज़ायर है, ये होंडा सिटी है, ये हुंडई की एसेंट है, ये हुंडई पेट्रोल है, ये हुंडई है, ये हमारी स्कॉर्पियो और ये हमारी मर्सिडीज। इनमें से भी आप कर सकते हो। आगे हमारा अंदर सर किस चीज़ का टॉपिक चल रहा है इनका? अभी सेंसर वेंसर चल रहा है सर, गाड़ी वाड़ी, अभी पेट्रोल कार डीजल कार करके आए हैं कंप्लीट। डीजल कार खोली आपने भाई लोगों को? क्या क्या खोला उसमें डीजल कार में? पूरा इंजन खोला, रिंग पिस्टन हेड कैम क्रैंक A to Z, टाइमिंग वगैरह सब अपने आप लाई, रिंग अपने आप बिठाई, टॉर्क रिंच यूज करना आया, स्टार्ट किया इंजन। ये हमारे जस्सर है जो इनको ट्रेनिंग दे रही है, पूरा क्लासरूम है मैकेनिकल के लिए। जब इनका मैकेनिकल हो जाता है तो ये यहाँ से कहाँ जाते हैं, मैकेनिकल ट्रेनिंग लेने के बाद हमारे इलेक्ट्रिक वाले वर्कशॉप पे जाते हैं। इलेक्ट्रिक सेंसर स्कैनिंग कोडिंग AC का काम है तो वो भी दिखाते हैं, फटाफट से आ जाइए। क्या करवाओगे? ब्रेक करवाने जा रहे हो? करो सर। डेमो इंजन 3 बैच से मिल रही है, 10 से 12 इंजन, 3 बैच, 1 बैच अंदर लग रहा है, 2 बैच बाहर खड़े हैं, 3 बैच अब चलते हैं तीसरे फ्लोर पे आ जाइए। वो रही हमारी बिल्डिंग, देख लो वो फॉर्च्यूनर खड़ी है बिल्डिंग है, उसके सामने दूसरा घर है, ये तीसरा। यहाँ पर क्या है, स्कैनिंग के लिए BMW की है। हमारा जो मैकेनिकल का ट्रेनिंग करने के बाद इलेक्ट्रिक वाले उसमें आए हुए महिंद्रा स्कॉर्पियो से ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूछते हैं क्या कर रहे हैं। क्या वकील सर, क्या करवा रहे हो? पावर विंडो कौन सा बैटरी इलेक्ट्रिक का? हाँ सर। इंजन हो गए सब इनके? ठीक है। ये बैच है जो वापस पूरा मैकेनिकल काम कर लिया, अब किस पे लगा रहे हैं इलेक्ट्रिकली, तो हम क्या कर रहे हैं? ये क्या सिस्टम का काम जाऊँ सब पूरा, इसके इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, ये सारी गाड़ियाँ यहाँ पर हैं कार मैकेनिक वालों के लिए। पहले फर्स्ट फ्लोर पे जाओ, फिर सेकंड फ्लोर पे जाओ, फिर थर्ड फ्लोर पे जाके पूरा इलेक्ट्रॉनिक सीखो। ये है हमारा कार मैकेनिक का कोर्स जो है आपके सामने। थैंक यू फॉर वॉचिंग।